राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे किशोरी राधे श्री राधे राधे किशोरी राधे श्री राधे राधे किशोरी राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे आज कृष्णदास परिहारी पैहारी दूध पीने वाले केवल इनका चरित्र है। निर्वेद अवधि कलिकल कृष्णदास अन्न परिहरि पैपान कियो जाके सिर कर धर्यो तासु कर तर नहीं आड़्यो अर्प्यो पद निर्वाण शोक निर्भय करि छाड़्यो तेज पुंज बल भजन महामुनि उरधरेता सेवत चरण सरोज राय राना भुवि जेता दाहिमा वंश दिनकर उदय संत कमल ही सुख दियो निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास अन्न परिहरे पैपान कियो। निर्वेद कहते हैं वैराग्य को, कृष्णदास जी वैराग्य की सीमा थे। इन्होंने अन्न नहीं खाया कभी भी, पाय पान दूध पिया केवल। जैसे माधवेंद्रपुरी थे, अयाचित रहते थे, बिना मांगे दूध मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं खाते पीते थे। दिन रात कृष्ण गुणगान करते थे,
जिसके सिर पर हाथ रखा उसके आगे हाथ नहीं फैलाया। ऐसे गुरु नहीं थे जो शिष्य के आगे हाथ फैलावें। दाता थे। सिद्धस्य त्रीणी लक्ष्याणि, दाता भोक्ता याचक। सिद्ध पुरुष के तीन लक्षण होते हैं, दाता देता रहता है, भोक्ता बिना कहे उसके पास सब भोग आते हैं। दाता माने मांगेगा नहीं कभी, चंदा चिट्ठा या किसी प्रकार से घुमा फिरा करके मांगना। और तीसरा लक्षण है अयाचक, तो वो समझो सिद्ध पुरुष है। दाता है, उसके दरबार में सैकड़ों लोगों का स्वतः उदर पोषण होता है। भगवान ने ग्वाल बालों को यही उपदेश दिया था श्रीमद् भागवत में कि देखो दशम स्कंद में 22वें अध्याय में उन्होंने ब्रजवासियों को उपदेश दिया वो उपदेश आज तक चल रहा है। उन्होंने कहा था पश्यैतान् महाभागान् परार्थैकान्त जीवितान्। हे ग्वाल बालो, इन वृक्षों को देखो, दस, बाईस, बत्तीस, इनका जीवन परोपकार के लिए है। ओ ईशाम वरम जन्म, इन्हीं का जन्म लेना श्रेष्ठ है। सर्व प्राण्युपजीविनम, अनेक प्राणी इन वृक्षों के सहारे जीते हैं। और इनके द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। सज्जन पुरुषों के द्वार दरवाजे से अर्थी माने मंगता कोई खाली नहीं लौटता है। ये वृक्ष जीते जी देते हैं और मरने के बाद भी देते हैं। पत्र पुष्प फलच्छाया
मूल बलकल दारु भी, पत्ते देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, कोपल देते हैं, छाया देते हैं, इनके जड़ें काम में आती हैं, वलकल छाल इनकी काम में आती है, दारू मने लकड़ियां काम में आती हैं, पत्र पुष्प फलत छाया मूल वलकल दारू भी सात, गंध आठ, निर्यास गोंध नौ, भस्म जब इनको जलाया जाता है इनकी राख भी खाद बन जाती है, अस्थि माने कोयला, और तुक माने छोटे पत्ते, अंकुर, बारह चीजें ये जीवन भर देते हैं, मरने के बाद भी जब मर गए तो कोयला भी इनका काम में आता है। तो भगवान ने कहा एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु, यही जन्म की सफलता है, बाईसवें अध्याय में 32वें श्लोक से 35वें तक बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस उदारता सिखाई है, वो आज भी ब्रज में चल रही है और संसार में कहीं नहीं है। ब्रजवासी रोटी वाले को रोटी, आटे वाले का आटा, छाछ वाले को छाछ, ब्रज के सभी गांवों में ये परंपरा चल रही है। हजारों साधु इसी के सहार जी रहे हैं। जीवित अवस्था में तो सात चीजें देता ही है पेड़, नौ चीजें, पत्ते फूल फल छाया मूल वलकल छाल दारू लकड़ियां गंध निर्यास गोंध, जब मर जाता है तो उसकी भस्म राख काम में आती है खाद बनाने में, अस्थि माने हड्डी कोयला, तोक माने छोटे छोटे पत्ते, अंकुर बारह चीजें देता है। कभी भी पेड़ के पास से कोई उससे कुछ बिना लिए नहीं लौटता है, ऐसे ही सज्जन पुरुष होते हैं। सुजनस्येव येषां वै विमुखायान्तिनार्थिनः, अर्थी माने ममता, कभी भी विमुख नहीं जाता है, कुछ न कुछ देते हैं सब लोग। हमारे मंदिर में ही सैकड़ों लोग हैं साधु, 40 बच्चे, ये सब ब्रजवासियों के यहां से पाते हैं। ये परंपरा आज भी ब्रज में चल रही है। ये श्री कृष्ण ने सिखाया था ब्रजवासियों को
एक एक घरों में सैकड़ों लोग पाते हैं, यही जन्म की सफलता है। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम ही देहिषु, प्राण अर्थ पैसा धिया बुद्धि वाणी से सदा श्रेय मने उपकार करे, उसी को सज्जन कहा गया। ओ एषां वरम जन्म सर्व प्राणि उपजीवनम सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्त नार्थिना। अर्थी माने मंगता, विमुख नहीं जाता है, दरवाजे से लौटता नहीं है। तो कृष्णदास जी के चरित में हम सुना रहे थे, जाके सिर कर धर्यो तासु कर तर नहीं आड़्यो, जिसके सिर पर हाथ रख दिया शिष्य के दरवाजे कभी मांगा नहीं, हाथ नहीं फैलाया। हम जैसे लोग गुरु बन जाते हैं, सोचते हैं शिष्य कुछ दक्षिणा देगा। ये उदारता के विरुद्ध है। सिद्ध पुरुष का लक्षण यही है, सिद्धस्य त्रीणि लक्षणानि, दाता भोक्ता याचक। दाता रहता है, सैकड़ों लोग उसके साथ जीवन यापन करते हैं। दूसरा लक्षण भोक्ता, उसके प्यास अनेक भोग सामग्रियां आती हैं, अयाचक बिना मांगे आती हैं। ये तीन लक्षण जो हैं सिद्धों के होते हैं। हम लोग मांगते मांगते मर जाते हैं, पूरा नहीं पड़ता है। कृष्णदास जी ऐसे बड़े सिद्ध हुए हैं। इन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया और अर्प्यो पद निर्वाण, कोई इनकी शरण में आया उसको मोक्ष संसार से मुक्त कर दिया। शोक निर्भय कर छाड़ो, फिर वो कभी शोक नहीं प्राप्त हुआ उसको, यानी इनका कोई शिष्य मंगता नहीं बना। तेज पुंज बल भजन महामुन ऊरध रेता, बड़े तेजस्वी थे, बल भजन इष्ट का बल रखते थे, भजन का बल, महामुनि थे। मुनि इसको कहते हैं जो हर समय मननशील, मन धातु से मुनि बना है, चलते फिरते भी उसका मनन चलता रहता है। जैसे हम लोग गप करते हैं, व्यर्थ वार्ता करते हैं, हम मुनि नहीं हैं। मुनि ही भजन कर सकता है,
भगवान बोले माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर युद्ध भी कर। युद्ध ही करते समय भगवान का भजन करता रहता है, उसकी बुद्धि ऐसी तीव्र होती है। युद्ध करना, बाण आ रहा है चूक जाएगा तो सिर उड़ जाएगा, उसको बचाना और मारना ये कितना कठिन काम है, और उसमें भी वो भजन करता रहता है। ये महामुनि थे, एक क्षण को भी इनका भजन छूटता नहीं था, निरंतर मननशील और उसका कारण था ऊर्ध्वरेता थे। ऊर्ध्वरेता कलयुग में कहते हैं होना असंभव है, लेकिन भगवान की कृपा से कलयुग में भी ऊर्ध्वरेता हुए हैं। भक्तमाल प्रमाण है। ऊर्ध्वरेता उसको कहते हैं जिसका तेज या वीर्य एक बार भी नीचे नहीं गिरा होगा। एक बार भी नीचे आने में मनुष्य ऊर्ध्वरेता नहीं बन सकता है। ऊर्ध्वरेता बिना भजन के ही ब्रह्मलोक चला जाता है। ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कलयुग में हुई हैं। जो लोग कहते हैं कलयुग में असंभव है, सब संभव है। पहारी जी ऊर्ध्वरेता थे, यानी इनका एक बार भी वीर्य नीचे की ओर नहीं आया, ऊपर ही चढ़ता रहा। काम की क्रिया तो दूर रही, चिंतन से ही वीर नीचे आने लग जाता है। चिंतन तक भी इनको काम का नहीं हुआ आज तक। क्या मैथुन है, क्या स्त्री है, क्या भोग है, इसका इनको ज्ञान ही नहीं था। इसका ज्ञान होने से मनुष्य ऊर्ध्वरेता नहीं रहता है। भगवान की कृपा से ऊर्ध्वरेता बनता है। ऐसी कर्मैति के बारे में लिखा है, कर्मैति निकलंक रही। बहुत से प्रमाण हैं। जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं, भोगी हैं, श्रद्धाहीन हैं, वही लोग ऐसी बातें कहते हैं कलयुग में कौन बच सकता है। तेई राखे रघुवीर,
ते उबरे ते ही काल मां। जब कामदेव ने बाण मारा था महादेव जी पे, तो उस समय सारा संसार काम में हो गया, पेड़ पत्ते तक जड़ चेचर सब काम में हो गए। लताएं वृक्ष ये सब काम से भर गए। पावरण निकी को कहे, बड़े बड़े सिद्ध योगी सब काममय हो गए। अबला बिलु कहीं पुरुषमय, सब जगत अबलामय। द्विदंड ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दो दंड, एक मुहूर्त तक सारा संसार काममय हो गया। संसार के जितनी स्त्री पुरुष थे, वो सब काम से भर गए। लेकिन उस समय भी जय राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमा, उस समय भी जिन पर कृपा थी उनको काम नहीं उत्पन्न हुआ। तो जो लोग ऐसी बातें कहते हैं कि कलयुग है कौन बच सकता है, वो श्रद्धाहीन है। संतों की शक्ति पर उनको विश्वास नहीं है। बंदों चरण कमल हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंग है। अंधेरे को सब कछु दर्शाई। लंगड़ा एक उछाल में पर्वत पार कर जाता है। असंभव है हम तो कहेंगे असंभव, लेकिन भगवान की कृपा वाला किसी चीज को असंभव नहीं कहता। बहरों सुने मूक पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ते पाई। भगवान की कृपा जब हम भूल जाते हैं, तब नास्तिकता की बातें करते हैं, असंभव है। लेकिन जिस पर जिसको भगवान पर विश्वास है, वो सब कुछ संभव है। ऐसी स्त्रियां भाई कठिन काल कल युग में कर्मैती निकलंक रही। नाभाजी ने लिखा है, कठिन है कल युग, इस कठिन काल में भी कर्मैती निकलंक एक भी धब्बा नहीं लगा विषय वासनाओं का। ऐसी ऐसी स्त्रियां भई हैं जो महासतियों से आगे पहुंच गई। सती तो फिर भी अपने पुरुष का संपर्क करेगी, महासती से भी आगे जिस स्त्री को विषय का ज्ञान नहीं हुआ, निकलंक रही, ऐसी कर्मेति कलयुग में भई है।
इसलिए आज ही कल कोई हमसे बात कर रहा था, सहज में चाहे समझो आत्मी प्रशंसा हम कर रहे थे या यूं समझो भगवान की कृपा की बात कर रहे थे, हमारा लक्ष्य तो कृपा ही था क्योंकि हमारे में कोई शक्ति नहीं है। हमने कहा 70 लड़कियां यहां रह रही हैं, और शुद्ध भाव से रह रही हैं, लगभग 100 के आसपास साधु यार बच्चे, 40 तो लड़के हैं। यहां सब ऐसे पवित्र भाव से रह रहे हैं, तो सुनने वाले ने तुरंत बात काट दिया। हमने कहा इससे बहस करना बेकार है क्योंकि ये श्रद्धाहीन है, इसको ज्ञान नहीं है। इस घोर कलयुग में भी, कठिन काल कलयुग में भी ऐसे ऐसे महासतियों से आगे हुई हैं, निकलंक रही। कबीर दास ने एक बार भी भोग नहीं भोगा। उनके जो लड़के भये हैं बिना भोग के भये हैं। कमाल नाम का लड़का था और एक लड़की भी थी, वो दोनों भोग से नहीं पैदा हुए थे। कबीर दास गए थे एक बार कुंभ में, क्योंकि काशी पास में है इलाहाबाद के, सिकंदर लोदी आया था, वहां हिंदुओं को या मुसलमान बनाएंगे या मार डालेंगे। बड़े बड़े महापुरुष, उन्होंने ही सनातन धर्म को बचाया। कबीर भी पहुंच गए थे वहीं पर। शेख तकी मुसलमानों का सिद्ध फकीर हुआ है। शेख तकी को सलाम किया सिकंदर ने, और शेख तकी जानते थे कि कबीर सिद्ध है। उन्होंने कहा सिकंदर, कबीर साहब आए हुए हैं, संभल के व्यवहार करना। सिकंदर ने कहा अरे हिंदू फकीर है, उसमें भी क्या कोई शक्ति है? बोले हां। तो बुलाओ उसको। लोग गए कबीर साहब के पास। बोले कबीर साहब चलिए, आपको सिकंदर ने बुलाया है, बादशाह ने। कबीर साहब चले गए।
इन लोगों ने धर्म की रक्षा किया, इसलिए चमत्कार दिखाए हैं। चमत्कार दिखाने की भूख नहीं थी इनको। शेख तकी जानता था कि कबीर एक सिद्ध पुरुष है। सिकंदर ने कहा, एक लाश बहती जा रही थी पानी में, कुंभ में बहुत से लोग डूब जाते हैं, पुराने जमाने में इतना इंतजाम नहीं था, अब तो मिलिट्री है, नावें हैं, स्टीमर हैं, पुल बनते हैं, तो सिकंदर ने कहा ये मुर्दा बहता जा रहा है। शेख तकी से बोला, तुम कहते हो कबीर सिद्ध है, क्या कबीर इसको जिंदा कर सकता है मुर्दे को? शेख साहब बोले, जो खुदा का बंदा है वो सब कुछ कर सकता है। सिकंदर, राम भगत का कर न सकाही, बुलाओ। कबीर साहब बुलाए गए, आए। सिकंदर ने कहा, इस मुर्दे को पकड़ लाओ। लोग नाव से गए, उसको खींच के लाए, उस मुर्दे को। और सिकंदर ने कहा, कबीर साहब इसको जिंदा कीजिए। बोले, मैं तो कोई अल्लाह ताला नहीं हूं, राम नहीं हूं, ये मारना जीवन देना ये तो भगवान का काम होता है, नहीं ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा देखो, राम का नाम लो, राम की मेहरबानी होगी तो जिंदा हो जाएगा। बोले, आप ही नाम लीजिए। कबीर ने कहा, जाओ कह दो उसके कान में कि कबीर तुमको बुला रहा है। लोग गए और भगवान का नाम लिया, राम। कबीर ने कहा, वो उठ के बैठ गया। सिकंदर बोला, कमाल कमाल कमाल, तो उसका नाम कमाल हो गया। बोले, अब मेरे पिता कबीर ही रहेंगे। तो इस तरह से कबीर साहब का लड़का था कमाल, इसका भी बड़ा लंबा चरित्र है, फिर किसी दिन सुनाएंगे। इनकी एक लड़की थी कमाली। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब मैथुन नहीं किया तो लड़का लड़की कैसे पैदा हो गए। कबीरदास ने स्वयं लिखा है,
मैंने कभी भोग नहीं भोगा, झीने रे झीनी बीनी चुदनिया चदरिया एक पद बनाया है कि इस चादर इस शरीर को बनाने में 9 महीने लगे साईं को राम को, और सब ने इस चादर को गंदी किया। इन्हें शरीर भगवान देता है, मनुष्य की शक्ति नहीं है कि वो शरीर बना सके, वो तो इस चादर को गंदा कर देता है। सुर नर सब ने ओढ़ी मैली कीनी चंदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यो की त्यों धर देनी चंदरिया। मैंने इस चादर को बंदा नहीं किया, ज्यो की त्यों रख दिया। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि उनकी लड़की भी तो थी, ये कैसे पैदा हुई। तो हमने कहा भाई जो हमने सुना है हम तुमको बता देंगे, तुम मानो या मत मानो। बोले सुनाइए। ये बड़ी प्यारी लड़की थी, सिकंदर की लड़की थी, ये मर गई थी। तो उसी समय ये घटना घटी थी कमाल वाली। सिकंदर ने कहा कबीर साहब को बुलाओ, हमारी लड़की जिंदा कर देंगे। कबीर साहब गए और उनसे शेख तकी ने फिर से प्रार्थना किया। कबीर साहब लड़के को तो जिंदा किया आपने, लड़की को और जिंदा कर दीजिए, नहीं तो उसको मैं लाखों आदमियों को मरवाता सिकंदर। लेकिन एक व्यक्ति ने बचा दिया। कबीर साहब गए, बोले जाओ उस लड़की से कहो कि तेरा बाप तुझे बुला रहा है। लोग गए, वो मर चुकी थी, लेकिन कबीर साहब की आज्ञा थी। लोगों ने जाकर के कहा, उसका नाम था कमाली। कमाली तेरा पिता सिकंदर तुझे बुला रहा है। नहीं उठी तो कबीर ने कहा जाओ, अब ये मत कहना कि तेरा पिता सिकंदर बुला रहा है, ये कहो कि तेरा पिता कबीर तुझे बुला रहा है। लोग गए और उस लड़की से बोले जो मरी पड़ी हुई थी, कमाली तेरा पिता कबीर तुझे बुला रहा है। उठ के चली गई कबीर के पास और सिकंदर ने कहा बेटी, बोले नहीं अब तुम मेरे पिता नहीं हो,
मेरा पिता तो वही जिसने मुझे जिलाया जिलाया है। कबीर, कबीर उसको ले गए और जब तक जीवित रही कबीर को पिता मानती रही। उसके पद हैं और कहत कमाली कबीर की बेटी, बड़ा नामी पद है। और जीव मर जाता है, मैं ना वो पद है भूल रहे हम, नहीं बड़ा नामी पद है। मरा हमारे पिया निकल गए, मैं नहीं जान पाई। कहत कमाल कमाली कबीर की बेटी, तो ये दोनों लड़के लड़की मैथुन से नहीं भय। कबीर दास ने जो ये कहा है कहत कबीर सुनो भाई साधो, ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया। मैंने आज तक भोग नहीं भोगा, जैसे चूनर साईं ने दिया था, कोरी की कोरी चूनर हमने लौटाल दिया साईं को। तो जिस पर भगवान की कृपा होती है वो एक क्षण में अंधा देखेगा, लंगड़ा पहाड़ चढ़ के चला जाएगा और महापापी वो ऊर्ध्वरेता बन जाएगा। असंभव काम संभव हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने स्वयं कहा था कि भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धे वच वैशारदी धी श्रद्धात स्त्री बालाम च मैं यथा। मूर्ख जाति स्त्री बालानाम, मूर्ख लोग जिनमें बुद्धि नहीं है वो भी मेरी तरह बन सकते हैं। तो भगवान की कृपा पर विश्वास जिसको नहीं होता है वही शंका करता है। ये हमने उदाहरण दिया। जो लोग कहते हैं कलयुग में असंभव है, संयम से कोई नहीं रह सकता, ये कहना नास्तिकता है। भगवान की कृपा जब होती है तो असंभव काम संभव हो जाता है। भोगी ऊर्ध्वरेता बन जाएगा, एक क्षण में बन जाएगा। इसका प्रमाण भागवत ले लो। तीसरे स्कंद में
आखिरी अध्याय में तीन तैतीस उसमें स्तुति किया है देवहूति जी ने छठवें श्लोक में, यन्नम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात् भगवान के नाम लेने से या सुनने मात्र से या उनको प्रणाम करने से या स्मरण करने से श्वाद कहते हैं कुत्ते को खाने वाला चांडाल, उसी समय सद्य माने उसी समय सोम यज्ञ का अधिकारी बन जाता है। सवनाय माने सोम यज्ञ, सोम यज्ञ का अधिकारी ब्राह्मण हो, एक साल फल फूल फाकर रहे, एक साल पानी पी के, एक साल सोम रस पी करके, तीन साल बाद वो सोम यज्ञ का अधिकारी होता है। उसी समय कैसे बन जाएगा? एक बड़े भारी हिंदुस्तान के विद्वान थे, उन्होंने इसका खंडन किया था कि उसी समय नहीं, मतलब अगले जन्म में बनेगा। नाम किसी के नहीं लेना चाहिए, लेकिन खंडन जो उन्होंने किया इसके माने उनमें श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा वाला भगवान की कृपा में सदा विश्वास करता है। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। भगवान ने इस बात को गीता जी में चौथे अध्याय में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम मचरेणादि गच्छति। 38वां 4/38। फिर उन्होंने भी कहा है जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसके हृदय में संशय उठते रहते हैं, शंकाएं उठती रहती हैं और उसका विनाश हो जाता है। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च, अज्ञ माने ज्ञान नहीं है इसलिए उसमें अश्रद्धा है, इसलिए संशय है, इसलिए उसका विनाश हो जाएगा। देख लो 40वां श्लोक, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। इसलिए अर्जुन तस्माद् अज्ञान संभूतम्, ये अज्ञान से ही संशय पैदा होता है, संशय माने शंका। तस्माद् अज्ञान संभूतम् हृष्टम् ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनम् संशयम् योगम्। इस संशय को काट डाल। आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, योगम आतिष्ठ,
निष्ठा के साथ बैठ जा, इसको निष्ठा कहते हैं। जब तक संशय है, अनर्थ है, निष्ठा नहीं होती है। आतिष्ठ योगम आतिष्ठ, योग पर निष्ठा प्राप्त कर, उत्तिष्ठ और आगे बढ़। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो थ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति है। उसके बाद निष्ठा, अनर्थ चले जाएंगे फिर निष्ठा। जब तक अनर्थ है निष्ठा नहीं होगी। अर्थ का उल्टा होता है अनर्थ। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होगा। श्रद्धा का चमत्कार भक्तमाल में भरा पड़ा है। सदाव्रती महाजन आदि अनेक कथाएं हैं जो सुनने में आश्चर्य लगता है, लेकिन आश्चर्य हमको लगता है क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं। श्रद्धा वाला कभी भी संशय नहीं करता है, वो तीर की तरह चलता जाता है लक्ष्य पर। इसलिए ये सब हमने प्रसंग कहा कि कलयुग में कृष्णदास जी महामुनि ऊर्ध रेता हुए हैं। तेज पुंज बल भजन महामुनि ऊर्ध रेता, ये नहीं समझना चाहिए कि कोई चीज संभव नहीं कलयुग में है। इनमें इतना तेज था कि सेवत चरण सरोज राय राणा भूजेता, पृथ्वी जीतने वाले जितने राजा थे इनके चरणों की सेवा करते थे। जब मनुष्य में निष्ठा आ जाती है तो उसके सामने काल भी कांपता है। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद में आता है। इंद्र ने जब बृहस्पति से कहा कि राजा बलि ने स्वर्ग से निकाल दिया हमको और हम कैसे अपना राज्य वापस करें, तो गुरुदेव बृहस्पति बोले, इंद्र तू ये मत समझ मैं देवताओं का राजा हूं, मैं कुछ हो गया हूं। भवद विधो भवान वापी वर्जितेश्वरम हरिम। एक भगवान को छोड़ करके तुम जैसे इंद्र या तुम स्वयं नास्य शक्तः पुरस्थानुम थातुम। 8, 15, 29 इसके सामने खड़े नहीं हो सकते हो, लड़ना तो दूर रहा। तुम देवताओं की फौज लेकर के इसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हो। कृतांतस्य था जनाः,
जैसे मृत्यु के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। बोले क्यों? इसके ऊपर कृपा है भक्तों की, ब्राह्मणों की। इकतीसवां, एष विप्रबलोदर कह संप्रति ऊर्जित विक्रम। तुम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मृत्यु के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, खड़ा होएगा मर जाएगा, वैसे भक्तों की कृपा है इसके ऊपर, तुम खड़े हो गए नष्ट हो जाओगे, इसलिए इस समय भाग जाओ। तो कृष्णदास पै हरि तेज पुंज बल भजन महामुनि ऊरध रेता सेवत चरण सरोज राय राणा भूव जेता। राधे किशोरी दया।